तो अब कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना सीखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। और इक्वेशन कैसी है हमारे पास, ये ए नॉट डी रेस टू पावर एन प्लस ए वन डी रेस टू पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डी रेस टू पावर एन माइनस टू एन सो ऑन ए एन और इन टू में वाई और इक्वल में ज़ीरो। ध्यान दीजिए, पहले हम स्टार्टिंग में बता रहे हैं डेफिनेशन में, यहाँ पर एक्स विच इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, बट यहाँ पर पार्टिकुलर हम इसको ज़ीरो लेके चल रहे हैं, इट मीन्स ये सिंपलर फॉर्म हो गई। तो स्टेप वन होगा हमारे पास, इस फॉर्म में लिखने के बाद हम सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे। फाइंड रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इसमें तीन केस बनते हैं। पहला हमारे पास हो सकता है कि इफ रूट्स आर एम वन एम टू एम एन आर ऑल रियल एंड डिफरेंट। अगर सभी रूट्स रियल हैं और डिफरेंट है तो देन कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा। वाई इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो एम वन है इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन आएगा ई रेज टू पावर एम वन एक्स, सेकेंड के लिए सॉल्यूशन आएगा हमारे पास ई रेज टू पावर एम टू एक्स, नेक्स्ट के लिए हमारे पास आएगा ई रेज टू पावर एम थ्री एक्स, लास्ट के लिए हमारे पास आ जाएगा ई रेज टू पावर एम एन एक्स। ये सारे सॉल्यूशंस हैं लेकिन हम निकाल रहे हैं कंप्लीट सॉल्यूशन। और हमें पता है कंप्लीट सॉल्यूशन में क्या होगा कि जितना इसका ऑर्डर है यानी एन टाइम डेरिवेटिव्स रखे हैं तो इसका जो सॉल्यूशन होगा कंप्लीट सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन उसमें हमें एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, इन सभी एन सॉल्यूशंस को, ये सारे इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं, इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन बना देते हैं। यानी इसको सी वन से गुणा कर दिया, इसको सी टू से गुणा कर दिया, इसको सी एन से गुणा कर दिया और इन सबको हमने कर दिया एड ऐसे। तो हमारे पास ये भी एक सॉल्यूशन बनेगा और इसी को हम कंप्लीट सॉल्यूशन कहेंगे या फिर जनरल सॉल्यूशन कहेंगे बिकॉज इट कंटेन्स एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो लिख देंगे वेयर सी वन सी टू सी एन आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। सेकेंड हो सकता है कि कोई भी दो या तीन रूट्स आपके इक्वल हो, तो जैसे हम लिख करके चलते हैं इफ एम वन और एम टू आपके पास इक्वल हो जाए बाई चांस एंड अदर रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, बस इनमें से दो आपके पास इक्वल हो जाएं, तो देखिए अगर हम इसको इसी फॉर्म में रखेंगे तो ये सी वन प्लस सी टू ये एक साथ हो जाएगा ई रेज़ टू पावर एम वन एक्स कॉमन लेने के बाद। अब सी वन सी टू तो एक आपके पास ऐड करेंगे तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, तो हमारे पास कांस्टेंट्स कम हो जाएंगे तो वो कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं होगा। तो कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे बनेगा इसमें, तो देन कंप्लीट सॉल्यूशन इसमें हम क्या लिखेंगे, सी वन प्लस में सी टू एक्स और ई रेज टू पावर एम वन एक्स या एम टू एक्स कुछ भी लिख दो। तो ये हमारे पास अब देखो दो कॉन्स्टेंट्स आ गए और हमारे पास सी वन इंटू दिस ये भी सॉल्यूशन है और एक्स इंटू दिस ये भी सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट हमारे पास ऐसे चलेंगे, नेक्स्ट के हमारे पास आएगा सी थ्री ई रेज टू पावर एम थ्री एक्स और लास्ट में भी हमारे पास ये सी एन ई रेज टू पावर एम एन एक्स वेयर सी वन सी टू सी थ्री एंड सी एन आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। अभी ये केस हो सकता है इमेजिनरी रूट्स का कि इफ अल्फा प्लस बीटा आयोटा और एक अल्फा माइनस बीटा आयोटा आर टू इमेजिनरी रूट्स एंड अदर रूट्स आर
रियल। तो देखिए रियल का तुमने समझ लिया कि कैसे करना है, रिपीट हो रहे हैं तो कैसे करना, नहीं हो रहे तो कैसे करना है। अब इमेजिनरी रूट्स का समझ लेते हैं कि इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हम कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे। तो देन कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कंप्लीट सॉल्यूशन इज, तो अगर इसको हम उसी मेथड से लिखें तो क्या लिखेंगे, सी वन ई रेस टू पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा इनटू में एक्स और प्लस में सी टू ई रेस टू पावर अल्फा माइनस आयोटा बीटा इनटू में एक्स। तो ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन का एक पार्ट बनेगा इससे कॉरस्पॉन्डिंग। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ सी वन ई रेस टू पावर अल्फा एक्स और इनटू ई रेस टू पावर आयोटा बीटा एक्स और प्लस में सी टू ई रेस टू पावर अल्फा एक्स इनटू ई रेस टू पावर माइनस आयोटा बीटा एक्स। अब इसमें देखिए ई रेस टू पावर अल्फा एक्स कॉमन आ रहा है, दैट इज़ ई रेस टू पावर अल्फा एक्स कॉमन लिया तो हमारे पास क्या रहेगा, सी वन ई रेस टू पावर आयोटा बीटा एक्स और प्लस में सी टू ई रेस टू पावर माइनस आयोटा बीटा एक्स। अब देखिए ई रेस टू पावर आयोटा बीटा एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, कोस बीटा एक्स प्लस में आयोटा साइन बीटा एक्स, वैसे इसको दैट इज ई रेस टू पावर अल्फा एक्स सी वन कोस बीटा एक्स प्लस आयोटा साइन बीटा एक्स, वैसे इसमें इसको क्या लिखेंगे हम, कोस बीटा एक्स और माइनस में आयोटा साइन बीटा एक्स, दैट इज ई रेस टू पावर अल्फा एक्स। इसमें देखिए कोस बीटा एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, सी वन प्लस सी टू कोस बीटा एक्स, वैसे इनमें से साइन बीटा एक्स कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, आयोटा सी वन माइनस आयोटा सी टू और आई साइन बीटा एक्स। अब देखिए सी वन प्लस सी टू को नया कॉन्स्टेंट ले लें और इसको नया कॉन्स्टेंट मान लें तो हम क्या बना सकते हैं इसको, दैट इज ई रेस टू पावर एल्फा एक्स और इसको हम मान लेते हैं ए कोस बीटा एक्स, इसको मान लेते हैं बी साइन बीटा एक्स। तो देखिए अगर कम्प्लेक्स कंजुगेट थे तो हमारे पास उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम ऐसे लिख देंगे, अल्फा को तो यहाँ लिख लेंगे, बीटा के लिए हम कोस बीटा एक्स और साइन बीटा एक्स लिख देंगे, यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे ए और बी विच आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स।